स्टेमेन के बारे में, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कार्पल, मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल कहते हैं, और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टडी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर मतलब कार्पल के बारे में, और मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल भी कहा जाता है, हिंदी में उसे गुरु बीजाणुधानी या बीजान कहा जाता है, और एम्ब्रियो से जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंडक मतलब कार्पल। कोई भी फ्लावर है तो उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कार्पल से मिलकर के बना हुआ होता है। जब किसी फ्लावर में ओनली वन कार्पल होते हैं तब हम उसे मोनोकार्पलरी बोलते हैं, जब दो कार्पल होते हैं तब उसे बाईकार्पलरी, तीन कार्पल होते हैं तब ट्राईकार्पलरी, चार कार्पल होते हैं तो टेट्राकार्पलरी, और अगर चार से ज़्यादा हैं तब हम उसे मल्टीकार्पलरी बोलते हैं। जब फ्लावर में चार से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं तो वो एक साथ जुड़े हुए मतलब सारे कार्पल ज्वाइंट भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर सारे कार्पल जुड़े हुए हैं तब ऐसे कार्पल को हम ओवरी को हम सिन कार्पस ओवरी बोलेंगे, इसमें सारे कार्पल्स जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। जब कार्पल्स फ्री होते हैं तब हम उन्हें एपोकार्पस ओवरी बोलते हैं, इसमें सारे कार्पल फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखने से पहले हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, और नीचे का जो फूला हुआ पार्ट होता है उसे ओवरी बोलते हैं, और इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो भाग होता है उसे स्टाइल बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मतलब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल के मैच्योर होने के साथ साथ होता है। जो ओव्यूल है उसे मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। जो ओव्यूल है जिस डंडे से जुड़ा हुआ रहता है उसे हिंदी में बीजांड वृंत कहा जाता है और फ्यूनिकल कहा जाता है इंग्लिश में। बीजांड वृंत जिस स्थान पे ओव्यूल से जुड़ा हुआ रहता है उसे हेलम या नाभिका कहा जाता है। जो ओव्यूल का केंद्र का भाग होता है, सेंट्रल भाग होता है, जो कि बीजांडकाय या न्यूशेलस कहलाता है। ये जो ओव्यूल है उसके बाहर में दो आवरण पाए जाते हैं जिसे इंटेग्यूमेन या अध्यावरण कहा जाता है। बाहर के आवरण को आउटर इंटेग्यूमेन, अंदर वाले आवरण को इनर इंटेग्यूमेन कहा जाता है। बीजांड के न्यूसेलस के अंदर में ये जो न्यूसेलस है इसको ये इंटेग्यूमेन नीचे की तरफ कुछ जगहों पे पूरा नहीं ढका होता, जिसे बीजांड द्वार या फिर माइक्रोपाइल कहा जाता है। ये न्यूसेलस के अंदर में एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, और इस एम्ब्रियो सेक में या भ्रूण कोश में मादा युग्मक प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऊपर के भाग की तरफ चैलेंजर पार्ट की तरफ जो केंद्रक उपस्थित होते हैं उसे एंटीपोडल सेल जिसे प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है, और जो बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं उस वहाँ भी तीन केंद्रक होते हैं, एक एक्सेल होता है और दो सिनर्जिड्स होते हैं। बीच में बीच में जो दो केंद्रक होते हैं उसे सेंट्रल सेल कहा जाता है। इस तरह टोटल इसमें 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो ये था ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि ओव्यूल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। तो जो ये माइक्रोपाइल होता है और चैलेंजर होता है, इनकी प्रेजेंट कहाँ पे ये उपस्थित है, इनकी प्रेजेंस के आधार पर एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमाइनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सार्सिनोट्रोपस। अब किन क्या इनमें अंतर है, क्या डिफरेंस होता है,
तो जैसे अगर हम ऑर्थोट्रॉपस को देखें तो इसका जो ओव्यूल होता है वो स्ट्रेट होता है, मतलब इसका फ्यूनिकल, इसका चैलेजा और माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में होते हैं। और इस तरह का ओव्यूल जो है वो पॉलीगोनम और पान, जिसे पाइपर बेटल कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। दूसरा है एनाट्रॉपस। एनाट्रॉपस जो है इसका जो ओव्यूल होता है वो उल्टा दिखता है और लगभग ये 180 डिग्री घुमा हुआ रहता है फ्यूनिकल के पास से। और इस तरह का जो ओव्यूल होता है वो मटर, चना, इन सब में पाया जाता है, पी, ग्राम, बीन, रेनेनकुलस। तीसरा है हेमाइनाट्रोपस। इसमें जो ओव्यूल होता है वो फ्यूनिकल के पास से समकोण बनाते हुए 90 डिग्री में मुड़ा हुआ रहता है, ऐसा प्राइमोलियों में पाया जाता है। फिर है एम्फीट्रापस। इसमें जो ओव्यूल होता है उसमें इसके एम्ब्रियो शेप में भी कर्व आ जाता है, जिसकी वजह से ये किडनी शेप का दिखता है। और इस तरह का ओव्यूल जो है वो एलिस्मा और ब्यूटोमस में पाया जाता है। फिफ्थ है कैम्पाइलोट्रॉपस। कैम्पाइलोट्रॉपस जो होता है ये घोड़े के नाल की आकृति का दिखता है और इसका जो फ्यूनिकल होता है और हीलम होता है वो पास पास आ जाते हैं। और इस तरह का ओव्यूल सरसों में, मूली में देखने को मिलता है। लास्ट है सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल। इस तरह का जो ओव्यूल होता है शुरू में तो वो ऑर्थोट्रॉपस के जैसा रहता है, जब थोड़ी वृद्धि होती है तब वो एनाट्रॉपस के जैसे दिखने लगता है, और पूर्ण रूप से जब विकसित होता है तो ये इसका जो बीजांड है, मतलब ओव्यूल है, वो अपने अक्ष पे, एक्सिस पे वो कुंडलित हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसका जो बीजांड का जो वृंत है उसको आधा से ज़्यादा भाग वो घेरे हुए रहता है। इस तरह का ओव्यूल नागफनी में पाया जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ ओव्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको और ज़्यादा स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।